राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया। यहाँ एक निजी होटल में 500 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इधर सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके से 10 लोगों को पकड़ा और पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि इलाज के नाम पर सभी लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जबलपुर में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों पर संकट के बादल छा गए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें खराब हुई हैं। भारतीय किसान संघ के राघवेंद्र सिंह पटेल ने जिला प्रशासन से किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। जबलपुर और उमरिया में रविवार सुबह बारिश हुई। जबलपुर में बरगी तहसील के सोहड़ गांव में 2 मिनट तक ओले गिरे। सिवनी और मंडला में 4 मिनट तक ओलावृष्टि हुई या फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। नवदापुरा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती पर चर्चा हुई। इस दौरान राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई है। देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनकर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश के घुलघुली क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। ग्रामीणों के मुताबिक ओले की लंबाई 3 या 4 फीट बताई जा रही है और सब लोग सो रहे थे, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन ओले गिरने से काफी तेज आवाजें आई और ग्रामीणों में भीड़ लग गई। इस ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। दिल्ली में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सह प्रभारी आशीष सूद ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली बिहार रथ लॉन्च करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है, भ्रष्टाचार करना केजरीवाल का सिद्धांत बन गया है। निनौरी जिले के लुटगांव में ग्रामीणों ने सड़क मार्ग की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि कच्ची सड़क के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि परिक्रमा पथ का निर्माण जिसकी मांग की गई है, जो कि जल्द ही पूरी हो जाएगी। बालाघाट में एक बार फिर बेमौसम बरसात हुई। सुबह से ही जिले में बारिश का दौर जारी रहा। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। जिले के वनांचल क्षेत्र मलाजखंड, लांजी, बैहर, परसवाड़ा समेत लामता में ओलावृष्टि हुई। अचानक मौसम बदलने से किसानों की फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा। वहीं जिले में बारिश के चलते एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। मंदसौर जिले के कचनारा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गांव चलो अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही मल्हारगढ़ के कचनारा में ग्राम के प्रधान सरपंच जीवन सिंह बौराना के घर रात्रि विश्राम किया। इस दौरान जगदीश देवड़ा ने ग्रामीणों से चर्चा की, साथ ही रात्रि भोजन कर भजन कीर्तन की। रतलाम रेल मंडल के मेघनगर रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर कोयल अनलोडिंग के काम में लापरवाही बरती जा रही है। लूप लाइन पर खड़ी ट्रेन से एक क्रेन की सहायता से भारी भरकम स्टील कोयल को डायरेक्ट ट्रेन से ट्रक में लोड किया जाता है और इसी दौरान रेलवे लूप लाइन से सटे अप और डाउन ट्रैक से 38 से ज्यादा यात्री गाड़ियां और 70 से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं और इसी दौरान क्रेन की मात्र एक तार के भरोसे 20 टन से ज्यादा वजनी भारी भरकम कोयल आसमान में कई घंटों तक लटकती रही। जबलपुर में हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी समर वर्मा ने बताया कि तिघरा के रहने वाले नितिन शर्मा और दिलीप दाहिया का पैसों को लेकर गोविंद बिसेन से विवाद हुआ था और जिसके बाद दोनों में मिलकर गोविंद के साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट का बदला लेने के लिए गोविंद के बेटे करण बिसेन ने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जबलपुर में पुलिस ने हथियारबंद आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से चाकू और कारतूस बरामद किया। ये पूरा मामला थाना घमापुर का है। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि व्यक्ति भूतनाथ मंदिर के पास से संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को हिरासत में लिया और तलाशी लेकर युवक के पास से हथियार बरामद किए। मंडला जिले में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने किसानों को क्षतिपूर्ति का आश्वासन दिया। दरअसल निवास विधानसभा क्षेत्र में देर रात अचानक से आई आपदा से किसानों की फसलें खराब हो गई, यहां तक कि वाहनों के शीशे भी टूट गए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन में अमेरिकी काउंसलेट जनरल से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक अधिकारी रैयान मुलेन और राजनीतिक सलाहकार प्रियंका विसारिया नायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने माइक हेंकी और दल के सदस्यों का स्वागत किया। दल के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और अमेरिका के बीच भविष्य में अधिक नॉलेज एक्सचेंज पर जोर दिया। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। प्रदेश में फिलहाल विपरीत दिशा की हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। इस वजह से बादल छाने लगे और इसके प्रभाव से महाराष्ट्र की सीमा से लगे नर्मदापुरम जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में रविवार सुबह बूंदाबांदी हुई। राजधानी भोपाल में भी बादल छाए हुए हैं। इस वजह से रात में ठंड का असर कम हो गया। सतना जिले के रामपुर बघेलान में गरीब परिवार को कुर्की का नोटिस पहुंचा। बिजली विभाग रामपुर बघेलान के अधिकारी ने एक महीने का बिल पांच हजार के ऊपर भेजा। गरीब परिवार जब नोटिस को लेकर जेई अमित तिवारी से मिलने पहुंचा तो जेई ने गाली गलौज की और धमकी देकर भगा दिया। परिवार को 17,968 रुपए का बिल दिया गया है, जबकि पहले सिर्फ 100 रुपए का बिल आता था। प्रयागराज उतराव थाना क्षेत्र के बाजार में 8 फरवरी की रात में चोरों ने आभूषण सहित कई लाख की नकदी पार कर दी। दरअसल उतराव बाजार की रहने वाली अनिशा बेगम शादी समारोह में शामिल होने गई थी। पीड़िता के मुताबिक बॉक्स का ताला तोड़कर 5 लाख के गहने सहित लगभग 1 लाख रुपए नकद चोरा कर चोर ले गए हैं। पीड़ित महिला ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। देवा थाना अंतर्गत बीटीआई रोड पर एक युवक को कुछ लोगों ने अगवा करने के बाद जमकर पीटा। बदमाश उसे नगर पालिका के ग्राउंड में लेकर गए, जहां उसकी 1.5 घंटे तक लाठी डंडों से और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की, जिसमें युवक के पीठ पर काफी गंभीर चोट आई है। उसे नगर पालिका के ग्राउंड में ले जाकर 1 घंटे तक पीटा गया। युवक के पास से सोने की चेन और कुछ नकदी भी हड़प ली गई। बहराइच में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने स्वास्थ्य शिविर का समापन किया, जिसमें 17,000 लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र सेवा की भावना से नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के अंतर्गत नेपाल से सटे जनपद बहराइच के गेंद घर में विशाल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में बैठे एक व्यक्ति अचानक आग की चपेट में आ गया। दुकान से भागते वक्त दुकान का काउंटर गिर जाने से दरवाजा बंद हो गया, जिसके बाद आग से झुलसे व्यक्ति को ना कोई बचा पाया और ना मृतक खुद का बचाव कर पाया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के भदेदू गाँव का। बुंडाड़ा में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे एक व्यक्ति की महिलाओं ने पिटाई कर दी और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये व्यक्ति बुलढाणा जिले के शेगांव शहर का है। व्यक्ति अश्लील हरकतें करके छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन डर के कारण महिलाएं और लड़कियां सामने नहीं आई। पीड़ित लड़कियों में से एक ने कुछ महिलाओं के साथ उसे सड़क पर पीटा और जूते के हार के साथ पुलिस स्टेशन में चले। हरदोई से पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने कोतवाली देहात जनपद हरदोई का वार्षिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम सलामी गार्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक हरदोई को सलामी दी गई। सलामी के उपरांत महोदय द्वारा थाने में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाने, शस्त्रागार, बंदी गृह से लेकर मेस और जलपान की व्यवस्था, सीज किए गए वाहनों का रखरखाव और महिला हेल्प डेस्क से लेकर तमाम असलाहों को चेक किया गया। हरदोई के मल्लावा में प्रेमिका को सिम न पहुंचने के मामले में दोस्त के साथ मिलकर कक्षा 11वीं के छात्र को गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे ले जाकर बेल्ट से पीटा गया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वीएन इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं के छात्र ने पीड़ित को प्रेमिका को सिम देने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। बुंदेलखंड के महोबा जिले की 29वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई और पूरे जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। बुंदेली समाज द्वारा महोबा को जिला बनवाने के लिए आंदोलन से जुड़कर संघर्ष करने वालों को याद करते हुए उनकी स्मृति चिन्ह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संघ के तत्कालीन जिला प्रचारक स्वर्गीय पुष्कर सिंह को याद किया। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नरसिंहगढ़ तहसील के कुख्यात बदमाश आरोपी नरेंद्र गुर्जर पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने 40,000 का इनाम घोषित किया। बता दें कि आरोपी नरेंद्र गुर्जर पिछले कई दिनों से नरसिंहगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र में दहशत बनकर वारदातों को अंजाम दिया करता था। बीते दिनों नरसिंहगढ़ पेट्रोल पंप पर लूट और कुरावर नगर में मोबाइल शॉप पर हुई फायरिंग में वो शामिल था। पूरनपुर हरदोई ब्रांच नहर में रेलिंग से टकराने के बाद दो युवक नहर में डूब गए। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वही दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जेसीबी के चालक थे, जो रविवार सुबह तकरीबन 8:30 बजे जेसीबी छोड़कर अपने घर जाने के लिए बाइक से निकले थे और जैसे ही दोनों युवक हरदोई ब्रांच नहर के मील के पास पहुंचा, अचानक रेलिंग से टकरा कर नहर में जा गिरे। अम्बेडकर नगर में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बच्चे के साथ नाबालिग किशोर ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
बच्ची के परिवार वालों की शिकायत पर नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा गया। अम्बेडकर नगर में दबंगों द्वारा एक व्यक्ति को लाठी डंडे से पीटने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक दुकान के बाहर खड़े व्यक्ति पर अचानक से आए दर्जन भर लोगों ने धावा बोल दिया। दहशत में आसपास के लोग भी बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मामला एरोली थाना क्षेत्र के टीकमपारा गांव का। आरोपियों में अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर बदमाश जुग्गी वर्मा भी शामिल। भिंड में कोचिंग जा रहे छात्र की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भिंड जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र के डॉक्टर लाइन के पास हुआ, जहां तीन छात्र बाइक पर सवार होकर कोचिंग जा रहे थे, तभी छात्रों की बाइक हाथ थैला से टकराकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। भोपाल में राम मंदिर के वकील को अगला राष्ट्रपति बनाने की मांग उठ रही है। एमपी बीजेपी लीगल सेल ने पीएम को ज्ञापन भेजा है और के पराशरन को अगला राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग की। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा ने भोपाल कलेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन के जरिए के पराशरन की उपलब्धियों को का जिक्र करते हुए ये मांग उठाई। डिंडौरी के डीडी मार्केट स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा में फूल माला अर्पण कर पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, भाजपा जिला अध्यक्ष अवध राज बलिया और तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता। डिंडौरी जिले के शैपुरा क्षेत्र में इंदौरी, डोभी, धनगांव, पड़रिया सहित दर्जनों गांव में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। रविवार सुबह तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिसके चलते दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना बताई जा रही है। गौरतलब है कि अचानक मौसम ने रविवार को मिजाज बदला और तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिससे विशेष रूप से दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना। टोडेगांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश के साथ जिला उपाध्यक्ष निधान सिंह पटेल, नगर मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अभिषेक पटेल, भाजपा महामंत्री सीताराम पटेल और विधानसभा प्रभारी ललित कुमार साहू सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हल्द्वानी के कर्फ्यू क्षेत्र के लाइन नंबर 17 किदवई नगर, इंदिरा नगर, नई बस्ती लाइन नंबर 8 के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भारत और इंडियन गैस का वितरण शुरू हो गया। गौरतलब है कि केएमवीएन ने कर्फ्यू क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों में गैस आपूर्ति सुचारू कर दी थी, वहीं अब कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में भी गैस का वितरण शुरू हो गया है। साथ ही सब्जी और दूध जैसी चीजें भी वेंडर के माध्यम से पहुंच गई। जबलपुर जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर के द्वारा दीनदयाल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह, अन्नू विधायक अशोक रोहाणी और विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू सहित पूर्व मंत्री जैसे तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जबलपुर में सुबह अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां आसमान में काले बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसके कारण किसानों की चना, मसूर जैसी कई दलहनी फसलों को नुकसान पहुंचा। भारतीय किसान संघ ने वीडियो फोटो जारी कर जिला प्रशासन से मदद की मांग की। जालौन की उरई कोतवाली पुलिस और साइबर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ऐसे दो छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया जो भोले भाले लोगों और बुजुर्गों को बेवकूफ बनाकर उनके एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लेते थे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अलग अलग बैंकों के 10 एटीएम कार्ड बरामद किए, साथ ही उनके पास से 71,000 रुपए नकद बरामद किए। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के नेता संगठन के साथ सामाजिक संगठनों के बीच भी संपर्क साध रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा ने गांव में चलने वाले स्व सहायता समूह के साथ चाय पर चर्चा शुरू की। रविवार को कन्नौज में भाजपा के लोकसभा कार्यालय पर स्व सहायता समूह के करीब 500 महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र के धन ककड़ी, खमरिया, गोरखपुर सहित दर्जनों गांव में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। कुछ गांव में तो नजारा शिमला जैसा देखने को मिला। रविवार सुबह तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिसके चलते दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना बताई जा रही है। विशेष रूप से दलहन की फसल बर्बाद होने की आशंका बढ़ गई।
लखनऊ की बीकेटी में साड़ी पहनकर महिलाओं ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने महिलाओं की दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मोहनलालगंज लोकसभा के बख्शी तालाब क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिलाओं की दौड़ में बालिका ने बाजी मारी 71,000 का, जिसे पुरस्कार मिला। दूसरे और तीसरे स्थान पर एक ही गांव की 2 महिलाएं रहीं। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में हार्ट से संबंधित बीमार 68 वर्षीय महिला डायलिसिस के दौरान चल गई। डॉक्टर व वार्ड बॉय की लापरवाही के कारण स्टीम देने वाली मशीन से महिला झुलस गई, जिसको लेकर परिवार वालों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। महिला 7 फरवरी को मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 10 फरवरी को मौत हो जाने के बाद परिजन को सूचना दी। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर किए जाने को लेकर मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ मसूरी कोतवाली में बैठक हुई, जिसमें मसूरी कोतवाल द्वारा सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में बेहतर क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। मुरादाबाद मछुला थाना क्षेत्र के लाइन पार ढक्का रोड पर बीते 9 जनवरी को बदमाशों ने अंडा कारोबारी हरि सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना के समय वो कैश काउंटर में बैठे थे और कर्मचारी अंदर गोदाम में काम कर रहे थे। शोर शराबा होने पर कर्मचारी गोदाम से बाहर आए तो तीनों बदमाश मोटरसाइकिल से भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल इलाकों में सरकार शिक्षा पहुंचाने की भरपूर कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया योजनाओं पर पलीता लगाता नजर आ रहा है। ताजा मामला अंतागढ़ से महज 3 किलोमीटर की दूर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास कोंदा गांव का, जहां पर डिसिप्लिन तोड़ने के नाम पर सीनियर छात्रों ने छात्रावास में ही 3 बच्चों को पीट दिया। घटना के 20 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐश्वर्या के मोरकुटम गांव के कई के हाई स्कूल के लिए इस साल बजट में स्वीकृति दी गई है और बजट में 75,23,000 रुपए की मंजूरी दी गई। इसे स्कूल प्रबंधन के साथ साथ ग्रामवासियों ने सरकार का आभार जताया। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष मायाराम साहू ने बताया कि 6 सालों से भवन के लिए मांग हो रही थी, जो अब पूरी हो गई। रायपुर में 2 लोगों ने विवाद के बाद पिस्टल ही चला दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला तेलीबांधा क्षेत्र के हाइपर क्लब का है। दोनों युवकों का लड़की को लेकर कुछ विवाद हुआ था और एक युवक ने पहले मारपीट शुरू की तो दूसरे ने लाइसेंस से पिस्टल निकालकर गोली ही चला दी। फायरिंग के बाद पूरे क्लब में सनसनी फैल गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। सरगुजा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी के लोकसभा क्लस्टर प्रभारी और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा अंबिकापुर से होकर गुजरेगी। उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस को दबाने का नायक बताया। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर लगातार बैठकें कर रही है। वहीं इसको लेकर भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड दौरे से जनता पर असर नहीं पड़ने वाला। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य देहरादून में गांव चलो अभियान में शामिल हुए। मंत्री आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। गांव गरीब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया गया है। जनता में मोदी सरकार के प्रति लगातार विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के फाकपुर गांव पहुंचे, जहां वे गांव चलो अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम चल रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों की घोषणा की।